मैं रविशंकर मानिकपुरी सीएससी राज्य कार्यालय से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस संस्करण में हम एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्रों पर कौन कौन सी सर्विसेज उपलब्ध हैं इनके विषय में हम बात करेंगे और इनकी संपूर्ण जानकारी देंगे। आज की इस श्रृंखला में हमारे साथ में हमारे एफआई सर इंद्र कुमार शुक्ला सर भी मौजूद हैं जो इन सर्विसेज के बारे में आपको बताएंगे। तो इंद्र कुमार शुक्ला सर, आपका हार्दिक स्वागत है आज के श्रृंखला में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि एसबीआई के जो भी सर्विसेज हैं हमारे पास, मैं चाहूंगा कि आप उनके विषय में हमारे सभी बीएलयू भाइयों को बताएं। इंद्र कुमार शुक्ला सर प्लीज। नमस्कार भाइयों, मेरे बीएलयू भाइयों, आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी और हमारे द्वारा जो ये फेसबुक लाइव जो चालू हुआ है इसके लिए पहले तो आप सभी को बधाई हो। और इस मामले में आप सभी को मुझे बताना था कि एसबीआई में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या काम करा जाता है। इसी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए ये लाइव सेशन रखा गया है, जिसके इस माध्यम से हम आपको एसबीआई के बारे में कुछ पूर्ण जानकारी दे सकें। इस समय हमारे एसबीआई में पीएमजेजेवाई और पीएमएसजेवाई दो पे फोकस करा जा रहा है, क्योंकि इस समय जून माह चला है, फर्स्ट जून से, क्योंकि उसका पैसा डिडक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री ज्योति बीमा, ये योजना जो है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए सारे बैंक लगे, उसमें एसबीआई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। तो हमारा दायित्व भी यही बनता है कि अधिक से अधिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री ज्योति बीमा करें, और ये माध्यम आप ही हैं, बिना आपके नहीं होगा। हमारे जितने भी बैंक मित्र हैं उन्हीं के माध्यम से ही इन सर्विसेज को किया जाता है। पहली बात कि आप सभी को इसको करने के लिए जो कहा गया है उसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइन दी गई है, तभी मैं इसमें बता देता हूं। आप सभी को फार्म भरने हैं, जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं कैंप मोड में लगाइए। क्या करिए, सबसे पहले कैंप लगाइए। कैंप मोड में यदि काम करेंगे तो नंबर ऑफ फार्म ज्यादा कलेक्ट होंगे। तो फार्म इसको कलेक्ट करिए, भरिए। भरने के बाद इसमें एक एक्नॉलेजमेंट आता है, उसको जरूर साइन कराइए। साइन करा के पीएमजेजेवाई पीएमएसवाई इसको ब्रांच में आपको सबमिट करना है, तभी ये लागू होगा। क्योंकि ये फार्म जो आपके जो कैंप के मोड में लगाए जाएंगे, मैं सभी जितने भी बैंक मित्र हैं सभी से कहूंगा इस जो बचे हुए दिनों हैं इसमें सब अधिक से अधिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री ज्योति बीमा पे फोकस करें, जिसके माध्यम से नंबर ऑफ पीएमजेजेवाई और पीएमएसवाई बढ़ सके। उसके लिए अधिक से अधिक हमारे जितने भी बैंक मित्र हैं वो इन फार्मों को भर के ब्रांच में सबमिट करें, ये आपका पहला दायित्व बनता है। तभी हम नंबर ऑफ पीएमजेजेवाई पीएमएसवाई में अच्छे कार्य कर सकते हैं और भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है इसको हम बॉटम लेवल पे, जो हमारा निचले स्तर पे व्यक्ति बैठा है वहां तक हम इस सर्विस को पहुंचा सकते हैं। और ये माध्यम हम और आप मिलके ही करेंगे, तभी होगा। हर मैं फिर बताऊंगा, सभी बैंक में जरूर फार्म जमा करें ब्रांचों में जाके, तभी ये मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। इसके बाद मैं कुछ पीएमजेजेवाई के बारे में थोड़ा बता दूं, क्या उम्र है, क्या चीजें हैं इसमें जो रखा गया है। पीएमएसवाई जो है 20 रुपए कटते हैं और इसमें ये है 70 साल के लिए है, 70 साल तक के लिए होता है। और प्रधानमंत्री ज्योति बीमा जो है वो 50 साल की उम्र के लिए होता है। और इसमें इस समय जो पेमेंट कट रहा है, क्योंकि इसमें 4 पार्टों में पैसा कटता है, तो ये लास्ट ईयर चल रहा है, तो आप 1 जून से कटेगा तो स्वाभाविक इसमें पूरा जाकर पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि जैसे 180, 280, 220 रुपए, क्योंकि वो पर क्वार्टरली होता है, ठीक है। तो इसमें पहली बात प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री ज्योति बीमा को जरूर जरूर आप फॉर्म ब्रांच में जमा कर दें। और इसके बाद ये तो आप फॉर्म जमा करेंगे, इसके बाद कुछ बातें और बताना चाहता हूं, क्योंकि यही इससे रिलेटेड है हमारे अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप अपने आप को कहीं भी खड़ा पाएंगे, जो बिना अकाउंट ओपनिंग के आप अपने आप को अस्तित्व से ही विहीन पड़ पाएंगे। क्योंकि आपको अकाउंट ओपनिंग यदि नहीं करते हैं तो बैंकिंग का कोई अर्थ ही नहीं बचता है, क्योंकि हमारा कनेक्ट होने का पहला माध्यम और पहली सीढ़ी अकाउंट ओपनिंग कहलाती है। अकाउंट ओपनिंग के माध्यम से ही हम सफल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे जितने भी बैंक मित्र हैं उन सभी से कहूंगा जरूर से जरूर कैंप मोड में काम करिए, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग आपके नहीं होंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आप लोग अकाउंट ओपनिंग पे फोकस करिए। अकाउंट ओपनिंग करते हुए नंबर ऑफ अकाउंट बढ़ेंगे, तभी आपके चाहे पीएमजेजेवाई हो, पीएमएसवाई हो, चाहे ट्रांजैक्शन हो, चाहे लोनिंग काम हो, ये सभी आपको तभी प्राप्त होंगे जब आपका अकाउंट कस्टमर का ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रगति बहुत जरूरी है।
मैं सभी बैंक मित्रों से कहूंगा कि अपने आप को थोड़ा चेंज करें। कस्टमर कभी भी, अब ये ऐसा दौर नहीं आया कि कस्टमर आपके पास जाएगा, आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, अपने अपना जो रास्ता हो उसको चेंज करना पड़ेगा। पहला रास्ता दूसरा था, पहले जरूरत थी, आज की डेट में उनको नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपको जरूरत है उनकी, आपको वहां पहुंचना पड़ेगा और कैंप मोड में काम करना पड़ेगा, तभी ये जो लक्ष्य हमारे हैं ये आपके लक्ष्य स्वाभाविक है। क्योंकि गांव लेवल पे हर व्यक्ति का, जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी है, भारत सरकार चाहती भी है कि हर व्यक्ति का, हर एक एक व्यक्ति का अकाउंट ओपन होना चाहिए, और इसका माध्यम सिर्फ आप हैं। लेकिन जब तक आप कैंप बोर्ड में काम नहीं करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। ये SBI के बैंक मित्रों को खास तौर से कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अकाउंट ओपनिंग में गिरावट वहीं पे आई है। मैं सभी बैंक मित्रों से कहूंगा अकाउंट ओपनिंग में फोकस करें और कैंप बोर्ड में गांव में जा जाके करें, अपने सेंटर पर नहीं, सेंटर बैठने के सिर्फ ट्रांजेक्शन पर फोकस करें और ट्रांजेक्शन को ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बढ़ाने हैं, तो सबसे पहले आप जाइए और गांव गांव में ट्रांजेक्शन भी बढ़ाइए, क्योंकि वहां कैंप बोर्ड हफ्ते भर में एक कैंप जोर लगाइए, जिससे आप सभी के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, अकाउंट ओपनिंग, लोन की लीड भी मिलेगी, रिकवरी भी होगी, मतलब बैंक का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और बैंक सफलता की ओर जाएगा, और जिसका माध्यम आप हैं। दूसरी चीज, अभी तो हमने अकाउंट ओपनिंग बता दिया और PMJJY PMSY जो इससे रिलेटेड चीज है जो बताया गया है। इसके बाद हमारे जो बैंक मित्र हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा कमी ये है कि अपने सेंटर को मॉडिफाई नहीं करते, सेंटर को सही रूप से नहीं रखते, सेंटर को आपके सर्विसेज जो सर्विसेज हैं उसको सही रूप से प्रदान करने के लिए कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, वो आपको करनी होती हैं। जब एक सेंटर मिलता है, उसके जब सेंटर आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है ये बहुत जरूरी है। पहली चीज, आपको एग्रीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी, क्योंकि उसमें ऑडिट होता है तो आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रधान वो होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, IIBF होना चाहिए। हमारे बैंक मित्र पोर्टल पे ऑलरेडी आप लोग रहते ही अपडेट है ही नहीं है जो, तो उसको ऑलरेडी उसमें पुलिस वेरिफिकेशन IIBF अपलोड करना पड़ता है। लेकिन हम आप सभी का दायित्व ये बनता है कि आप जाके सबसे पहले एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट के पुलिस वेरिफिकेशन IIBF, इसके बाद आप सभी पे माइक्रो ATM होना चाहिए, जब सेंटर की बात बता रहा हूँ, माइक्रो ATM होना चाहिए, पासबुक प्रिंटर होना चाहिए, और आपके पास बैनर जितने हैं डू डोंट हो या चार्ट लिस्ट हो, आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। थर्मल प्रिंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, थर्मल प्रिंटर। आप कस्टमर को यदि आप अपनी रसीद सर्विस पहुंचाना चाहते हैं, यदि आप किसी दिक्कत से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास थर्मल प्रिंटर होना चाहिए, उसके माध्यम से ही आप किसी कस्टमर का विश्वास जीत सकते हैं, क्योंकि आप उसको रसीद देंगे तो उसका भी विश्वास होगा कि आपने हाँ हमको रसीद दी, हमारा पैसा इतना जमा हुआ, हमारा निकला। तो पहली चीज है थर्मल प्रिंटर अत्यंत आवश्यक है। पासबुक प्रिंटर का बेनिफिट ये है कि पासबुक प्रिंटर से आप सभी प्रिंटर जरूर ले लें, क्योंकि पासबुक प्रिंटर से आपको बेनिफिट ये है कि 610 रुपए अलग से भी मिलता है और आपको 5 रुपए पर प्रिंटर मिलता है। तो देखा जाए कि एक ऐसी चीज है जिससे आपकी इनकम को बढ़ाया जा सकता है, आपकी इनकम में भी ग्रोथ होगा। हर एक बैंक मित्र की इनकम जो है मिनिमम 20,000 तक होनी चाहिए, क्योंकि अब 10,000 और 5,000 नहीं, 20,000 पे लेके चलेंगे, क्योंकि घर की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। हर जो हमारा बैंक मित्र है वो अपने लिए इस प्रकार काम करे कि जिससे बेनिफिट स्वाभाविक है उसका भी हो, सरकार का भी हो और कंपनी का भी हो। इन तीनों चीजों पे ही काम करना पड़ेगा, तभी वो सफलता की ओर जाएगा। कस्टमर तभी उससे कनेक्ट होगा जब वो कस्टमर से कनेक्ट होगा। कस्टमर से कनेक्ट होने के लिए उसके बॉटम लेवल पे उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जितने बैंक मित्र हैं सभी से कहूंगा कुछ अलग करिए, अलग करेंगे तब दिखाई देंगे, सिस्टम में अलग नहीं करेंगे कभी नहीं दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि जो जैसा चलता आ रहा है वैसे ही करेंगे। सेंटर जब ऑडिट होता है तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा कमी आता है। हमारे यहाँ UV लैंप जो है वो हर बैंक मित्र के पास होना चाहिए। यदि आपके पास UV लैंप भी नहीं, उसे नोट चेक करने वाली मशीन, मान लो आपका कोई 500 का नोट नकली निकल गया तो हमारे बैंक मित्र का लॉस होता है। हम नहीं चाहते किसी बैंक मित्र का को लॉस हो। आप जरूर से जरूर एक एक UV लैंप लगवाइए। इसके बाद आप सभी जो आप डू डॉन्ट लगाई रहे हैं, इसके बाद जितने भी बैनर हैं वो सारे कंप्लीट ऑलरेडी उस पे पड़ा हुआ है SBI क्लाउड पे, उस पे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और जाके उसको हमने ऑलरेडी शेयर भी किया है। ये सब करिए, आपने अपने सेंटर पे लगाइए। यदि सेंटर नहीं लगाते तो आपकी ये समझ लिया जाएगा आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। रजिस्टर सभी कंप्लीट होना चाहिए, चाहे ट्रांजेक्शन रजिस्टर हो, चाहे ट्रांजेक्शन डिपॉजिट हो, विड्रॉल हो, या आपका कंप्लेंट। देखा है मैंने बहुत जगह कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है, इस
रजिस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लेन रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, आपके पास पीएमजेजेबीवाई पीएमएसवाई का एपीवाई का भी रजिस्टर होना चाहिए। अब एपीवाई के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको लिए ये रजिस्टर के बारे में तो बता दिया ऑलरेडी, इंफॉर्मेशन दी गई है और मैं फिर बता देता हूँ रजिस्टर तो मैं फिर बताऊंगा जरूर कंप्लेन। और कस्टमर के एक एक कस्टमर के सिग्नेचर होने चाहिए, क्योंकि कुछ बैंक में मैंने देखा है कि सिग्नेचर यदि नहीं करवाते हैं तो जवाबदेही उन्हीं की बनेगी। तो सबसे पहले आप सिग्नेचर जो सिग्नेचर कस्टमर के जरूर कराइए रजिस्टर पे। हमारे जितने भी रजिस्टर हों, चाहे विजिट रजिस्टर हो, चाहे कंप्लेंट रजिस्टर हो, चाहे ट्रांजेक्शन रजिस्टर हो, ये कंप्लीट एक साफ सुथरी अवस्था में होनी चाहिए, तभी आप सफलता की ओर जाएंगे। दूसरी चीज, आप जब काम करते हैं तो अपने आप को ऐसा महसूस करिए कि आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको दायित्व बनता है कि आपके पास वहां पे इस समय बहुत ज्यादा गर्मी, आप जानते हो गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी का एक घड़ा रखना या बाल्टी रखना, क्योंकि पानी आपको पिलाना ही होगा, क्योंकि वो कस्टमर आपके पास आया है तो आपका दायित्व बनता है, सबसे हमारा हमारा मानवता के लिए भी दायित्व बनता है। तो हमारे बैंक मित्र को मैं यही सलाह दूंगा कि कुछ चीजें उसे फोकस करनी होंगे। इसके बाद एपीवाई पे फोकस करना चाहते हैं हम। एपीवाई एपीवाई एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आपका पेंशन बन जाता है। पेंशन लेने के लिए आपको अटल पेंशन योजना हर कस्टमर की जो एलिजिबल होते हैं 18 साल से ऊपर उनकी करानी होती है। आपको मालूम है कि एपीवाई में कराने के लिए आपको थोड़ा सा अवेयरनेस भी फैलाना जरूरी है। आप सभी सबसे पहले जब आप कैंप लगाएं, याद रखना कैंप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैंप लगाएं वहां पे एपीवाई का जरूर इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि पेंशन एक ऐसी चीज है जब आदमी ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब सबसे ज्यादा दिक्कत उसी को होती है। तो उस व्यक्ति के लिए पेंशन बताना जरूरी, पेंशन का महत्व क्या है। 8.5% ब्याज आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप सेविंग अकाउंट पे भी लगाएंगे 8.5% ब्याज नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया ब्याज मिल रहा है, उस सर्विस को चलाइए। अटल पेंशन योजना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको इसको एक मुहिम चलानी होगी, मुहिम के तहत अपने क्षेत्र को एपीवाई से मुक्त कराना हो, एपीवाई कराना ही कराना होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको बॉटम लेवल पे देना जरूरी है, हमने ऑलरेडी आप सभी को एक एक चीज बता रखी है। मैं फिर कहूंगा अटल पेंशन योजना तभी होगी जब आप कैंप बोर्ड में काम करेंगे, समझाते हुए काम करेंगे, किसी चीज को समझाने के लिए आपको वहां जाना होगा, जब जाएंगे तब आप उसको समझ पाएंगे, क्योंकि उसकी फीलिंग समझेंगे तब आप समझ पाएंगे काम क्या होता है। आपको अटल पेंशन योजना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा और अटल पेंशन, ये तीन सर्विस हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सभी बैंक मित्रों से कहूंगा इस पे सबसे पहले सुबह उठें और उठें तो आप इस पे फोकस करें, पहली चीज। और एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि बहुत से बैंक मित्र हमारे जो सिस्टम जो 8 बजे से खुलने का है 8 बजे से नहीं खोलते, तो 8 बजे से पहली तो आप लोगों को मैं सभी को बताना चाहता हूं कि 8 बजे से सिस्टम ओपन करिए। ओपनिंग ऑफ डे कहते हैं इसको, और एंडिंग ऑफ डे तो आप 8 बजे रात को भी 9 बजे भी कर सकते हैं, 9 बजे तक कर सकते हैं। तो एंडिंग ओपनिंग ऑफ डे एंड ऑफ डे, ये दो शब्द याद रखिए, यदि आप अपने ये चीज भूल गए तो कभी सफल नहीं हो। आप अपने तैयारियों को याद रखिए, तैयारी में आपकी जो चीज याद है की रिजल्ट एरिया इसको कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बैंक में अपने आप को जो जैसे ट्रांजेक्शन करना हो गया, अकाउंट ओपनिंग हो गया, पीएमजेजेबीवाई, ये सब तैयारी के अंदर आती है। अब अदर जैसे लोनिंग आ रहा है, अदर अदर सर्विसेज आ रही है, रिकवरी भी आ रहा है, जो डीआरए करें वो रिकवरी करें, तो ये सब हमारे क्यारे के अंदर आता है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका दायित्व बनता है, आप अपने अपने आप अपने क्यारे को पहचानें। यदि जो अपने क्यारे को नहीं पहचानेगा वो कभी सफल नहीं होगा। पहली बात अपने याद रखना, कभी सुबह उठो तो पहला याद रखो मुझे काम क्या करना है सुबह से लेकर शाम तक, तो इस पे फोकस करें। 8 बजे से 9 बजे तक का भी है, लेकिन 8 से 8 तो आपको ओपन करना ही है। सुबह 8 बजे हमारा लॉगिन हो जाना, हमारा एक एक बैंक मित्र को 8 बजे अपना सेंटर ओपन करना है, ये पहली प्राथमिकता आप माने। ये मान चलिए कि आप लॉगिन नहीं करेंगे तो उस दिन आप अब्सेंट मान लिए जाएंगे, तो ये आप अपने आप को सोचना है मुझे करना क्या है। ये 10 बजे 9 बजे 11 बजे ये कहीं आपको अलाउ नहीं देता। यदि आपको कोई घर में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप जरूर हमारी पूरी टीम है यहाँ पे एफआई की, आप इंफॉर्मेशन ग्रुप में दे सकते हैं, हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे कि ये आज लीव पे है क्या है जो भी है, लेकिन आप ये 8 बजे हमारा लॉगिन ओपनिंग और टाइम होना चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए। तो दूसरी बात, हमारे और बैंक मित्रों को जो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे SBI जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बहुत कुछ हम पा सकते हैं। अभी नोटबंदी आप जानते हैं 2000 का नोट बंद हुआ है, जिसके आपको मैंने इंफॉर्मेशन भी ग्रुप
पे शेयर करी है, हम चाहते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को आप सही से पढ़ें, कोई दिक्कत है तो हमसे पूछें, लेकिन जरूर जरूर इस पे फोकस करें, एक एक चीज बताई गई है। अब एक चीज आती है माइक्रो एटीएम। हमारे बैंक मित्रों पे माइक्रो एटीएम नहीं है, बहुत से बैंक मित्रों पे है भी, तो कोई दिक्कत है उसके रिजॉल्व करने का काम हमारा है, लेकिन हर एक बैंक मित्र माइक्रो एटीएम होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें चाहे वीजा कार्ड हो, रुपए कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, हैं, और अमेजन कार्ड, ये टोटल कार्ड इसमें लगते हैं, इसके माध्यम से आप तभी पैसा इसका निकाल सकते हैं। तो आपको माइक्रो एटीएम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कस्टमर एटीएम लेके जाता है तो उसका पैसा निकल सके, ये दायित्व आपका बन। कस्टमर कभी भी आपके यहाँ से यदि खाली लौटता है, ये आपकी सफलता नहीं विफलता कहलाती है, इसको याद रखना। कभी भी अच्छा काम करने के लिए आपको कुछ अलग करना होता है। जैसे आपने माइक्रो एटीएम लिया, माइक्रो एटीएम वाला व्यक्ति यदि आप यहाँ से खाली जाता है तो सबसे ज्यादा कमजोरी आपके अंदर है, आपने अपने आप को तैयार नहीं करा है। तो मैं सभी बैंक मित्रों को कहूंगा कि माइक्रो एटीएम अत्यंत आवश्यक है आपके जीवन के लिए। दूसरी चीज, पासबुक प्रिंटर भी अत्यंत आवश्यक है, इसी तरीके से अपना थर्मल प्रिंटर, ये अत्यंत आवश्यक है। ये सब आपका एक माध्यम है कस्टमर से कनेक्ट होने का। तभी ऐसा नहीं है, कस्टमर तभी कनेक्ट होगा जब उसको कुछ नया करके दोगे। तो ये सर्विस है आपके पास, इसको सही रूप से समझिए। दूसरी चीज, अब सब पे कोड आता है, वो सब पे कोड हमारे सभी बैंक मित्रों के पास सब पे कोड नहीं है तो बनवा ले, ज्यादातर बैंक मित्रों पे है हमारे, हम जानते हैं, लेकिन जिसका सबके कोड नहीं है वो तुरंत सबके कोड बनाए। सबके कोड अत्यंत आवश्यक है, बिना सबके कोड के आप सफल नहीं हो सकते, अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते। इनकम बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका सबके कोड होना, क्योंकि आपके पास पासबुक प्रिंटर भी होगा तो सबके कोड होगा तभी पासबुक प्रिंटर भी आपको मिलेगा, आपकी अर्निंग को दुगना करेगा। अर्निंग दुगनी तभी होगी जब आपके पास सबके कोड होगा। तो सबसे पहले सभी मैं बैंक मित्रों से कहूंगा सबके कोड जरूर बनाए। सबके कोड का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, उसमें IIBF पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होता है और एक एग्रीमेंट होता है वो चाहिए, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट चाहिए होती है, बहुत बड़ा वो नहीं है, और सिविल, इतनी चीजें हमको चाहिए। सबके कोड के लिए हमको चेक करना पड़ता है, जैसे मेन पे होता है सबके कोड भी होता है, तो सबके कोड में ये डॉक्यूमेंट हमको रिक्वायरमेंट है। एग्रीमेंट की ऑलरेडी मैं कॉपी हमारे सभी FI टीमों ने शेयर भी कर रखी है आपको, और आप पुलिस वेरिफिकेशन ऑलरेडी सबके कोड का बनाई दीजिए, IIBF होना चाहिए और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, ये सबके कोड बनाने के लिए एक माध्यम है, सबके कोड बन जाएगा आपका एक ही दिन के अंदर, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट देते हैं एक घंटे के अंदर आपका सबके कोड बनके तैयार हो जाए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होंगे आपका सबके कोड कभी नहीं बने। सबके कोड बनने से देखिए आपको दो फायदे हुए, पहली चीज सबके कोड बना तो आपका काम से थोड़ा हटाओ, आप दूसरा काम कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, कुछ दूसरे काम कर सकते हैं, जैसे आप गए गांव में गए बातचीत करना, आज कैंप लगाना, लेकिन वो सबके कोड वाला काम कर रहा है, इसका बेनिफिट ये हुआ। दूसरा बेनिफिट कि थर्म जो पासबुक प्रिंटर है, पासबुक प्रिंटर भी आपकी लगी रहेगी तो एक जो टर्मिनल है, एक एक्स्ट्रा टर्मिनल भी आपको मिल जाएगा। जब एक्स्ट्रा टर्मिनल आपको मिल जाएगा तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, उस पर भी लॉग इन कर सकते हैं, तो आपकी अर्निंग के स्रोत बढ़ाए जा रहे हैं। इसको आप समझिए, जब तक आप गंभीर नहीं होंगे, करने के लिए कुछ सोचेंगे नहीं, तभी सब आपको कुछ अलग करना होता है और गंभीर बनना पड़ता है। आप सभी पुराने बैंक मित्र हो गए हैं, जो नए बैंक मित्र हैं उन्हें पुराने बैंक मित्रों से सीखने की जरूरत है। मैं सभी बैंक मित्रों को मैंने ग्रुप में हम सभी लोगों ने जोड़ रखा है और पूरी यूपी टीम जुड़ी हुई है, सभी से कहेंगे जरूर से जरूर हर अपने पुराने बीसी से सीखें। जब सीखेंगे तो स्वाभाविक है आपकी इनकम बढ़ेगी। हमारे बहुत से बैंक मित्र हैं जिसकी 50,000 60,000 80,000 तक इनकम है, उनके बारे में समझे कैसे कमा रहे हैं। यदि आप नहीं समझेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। ये सब चीजें इसीलिए दी जा रही है, इसीलिए फेसबुक लाइव पे आ गया कि आप तक वो बात पहुंचाई जा सके। सेंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको मॉडल सेंटर होना चाहिए। ये आपका घर है, परिवार, ये आप समझ लीजिए सब कुछ आपकी रोजी रोटी है, आपका परिवार इसी से चलता है। तो आपको, आप सभी को इस पे फोकस करना होगा। मैं और कुछ, मैं कुछ कहना चाहेंगे तो अपना मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और अभी रवि जी कुछ कहना चाहें तो ऐड करना चाहें तो रवि जी अभी आपको ऐड करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और आज के इस संस्करण में SBI के सर्विसेज के बारे में आपने हमारे सभी वेली भाई को बताया। तो मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि सभी वेली भाई जितने भी हमारे SBI के CSP हैं वो अपना एग्रीमेंट और लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन, ये दोनों चीजें अपने ब्रांच में जरूर सबमिट करें और उनको बोलें कि वो अपने सिस्टम पे इसको तत्काल अपलोड करें, जिससे कि कंप्लायंस से हमें बचा जा सके। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग
कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमारे सीएसपी बोलते हैं हमने ब्रांच में सर हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन देना ही नहीं है, उसको सिस्टम पे अपलोड कराना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, तो ये जरूर करते हैं। जैसे कि बहुत से सर ने अभी जैसे हमें बताया कि बहुत सारे हमारे ऐसे सीएसपी हैं जिनके पास सब क्यों नहीं है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सर ने बताए हैं उनको जल्दी फुलफिल करें और अपने पास सब क्यों बनाएं। सब क्यों बनाने से आपके पास बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको कहीं अगर जाना हुआ, कोई आपके घर में इमरजेंसी काम है या जो भी है, तो उस एब्सेंट में वो अपना काम कर सकता है, जिससे कि आपका जो ग्राहक का जो जुड़ाव बना हुआ है वो आपसे कहीं अलग नहीं जाएगा। उसके अलावा आपके पास सब क्यों बनाने के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे सर ने बताया मल्टी टर्मिनल का। मल्टी टर्मिनल से आप, जैसे कि आपने ब्रांच में देखा होगा तीन तीन चार्टर सिस्टम चलते हैं, सेम वैसे ही आप अपने सेंटर को भी बिल्कुल ब्रांच की तरह बना सकते हैं। सपोज आपके पास तीन सिस्टम है, एक में आपने पासबुक प्रिंटर लगा रखा है, एक में आपने माइक्रो एटीएम लगा रखा है, एक में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक सिस्टम आप एडिशनल रख सकते हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम या और बैलेंस इंक्वायरी या जो भी और सर्विसेज हैं उसको आप दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, तो मैं आप सभी को बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी सर्विसेज आपको बताई गई हैं इनका पूर्ण रूप से ध्यान रखें और इस पे थोड़ा अमल करें, जिससे कि आप अपने जितने भी इनकम्स हैं उसको बहुत से बहुत बढ़ा सकें, क्योंकि आप लोग हमारे जो SBI के CSP हैं उनमें कुछ लोग ही हैं जिनका 5,000 से 10,000 या मैक्सिमम 20,000 तक कमीशन आता है, जिसमें हमारे ऐसे भी हमारे CSP भाई हैं जिनका 50,000 60,000 रुपए से ऊपर भी कमीशन आता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप भी ऐसा कुछ करें जैसे वो लोग कर रहे हैं, उनके पास मल्टी टर्मिनल है, सब क्यों है, आप भी इस तरह कुछ काम करें जिससे आपकी भी इनकम 20,000 से ऊपर जाए, जिससे आपका स्रोत बढ़े। एक चीज और ऐड कर देते हैं इसमें, रवि जी सर, एक चीज और सर, इसमें जो 10 फिंगरप्रिंट लेने हैं, ये जरा चल गया था दिमाग से, तो 10 जो 10 फिंगरप्रिंट लेने हैं, मैं सभी बैंक मित्रों से कहूंगा कि ब्रांच में जाइए और ब्रांच में जाके हमारे हमको कॉल करिए, पूरी SBI टीम को कॉल करिए और अपने जो 6 फिंगरप्रिंट लिए गए थे अब टोटल 10 फिंगरप्रिंट होने चाहिए, 10 फिंगरप्रिंट, 10 फिंगरप्रिंट होंगे तभी आपका ये BC पॉइंट चलेगा। तो आप ब्रांच में जाइए, जो जैसे अभी बताया है सर ने कि आप सभी को अपना एग्रीमेंट भी साथ में लेके जाइए, तो दो काम आपके हो जाएंगे, एग्रीमेंट IIBF पुलिस में ये भी जमा हो जाएगा, दूसरी 10 फिंगरप्रिंट आपके अत्यंत आवश्यक, 6 तो ऑलरेडी हैं आपके, लेकिन 4 फिंगरप्रिंट और होना है। तो हमारा बैंक में सफर करे ये नहीं होना चाहिए, और हमारे बैंक मित्र को सीधे सोचना होगा काम करने के लिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं तो करेंगे नहीं, तो सोचिए और इसको जाइए जरूर और 10 फिंगरप्रिंट करिए, लेने ही लेने हैं, और आप हम सबको कांटेक्ट करिए ब्रांच में, क्योंकि ब्रांच मैनेजर के सामने ही ये फिंगरप्रिंट ले जाएंगे, क्योंकि ऑथराइजेशन भी वहीं से होगा, ऑथराइज करेंगे तो क्यू जनरेट होगा, फिर वो ऑथराइज करेंगे। तो आपको सबसे पहली बात कि ब्रांच में जाके अपने ये 10 फिंगरप्रिंट, 4 और लेने हैं, 6 ऑलरेडी हैं, इसको करिए और एग्रीमेंट जो बताया गया है इसको आप वहीं सबमिट करना होगा, तभी आप पूर्ण रूप से एक बैंकिंग की दिशा में सही रूप से चलने के लिए काबिल हो सकेंगे, नहीं तो नहीं, आज ही से ब्रेक लग जाएगा यदि ये काम नहीं करेंगे। तो ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है करने के लिए। तो मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और मैं रवि जी से कहूंगा यदि कुछ बाकी रह गया है तो आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यदि कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं आप, वो छूट रहा हो तो। नहीं सर, आपने सारी बातें रख दी हैं, जो भी थी जो आपने लास्ट में फिंगरप्रिंट के लिए बोला, ये वाकई में बहुत आवश्यक है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो सभी जितने भी हमारे SBI के CSP भाई बंधु हैं इन सभी से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके अपने सारे जो 10 फिंगर हैं उनको कैप्चर कराएं, क्योंकि वो अगर नहीं कराएंगे तो अगले महीने से हो सकता है बैंक पूरी तरह से आपके सर्विसेज बंद कर दे, जिससे कि आप लॉगिन भी ना कर पाएं, तो जितना जल्दी हो सके इसको कराएं। और अगर ऑथराइजेशन में या कैप्चर कराने में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो जो हमारे FI सर हैं आप उनसे तत्काल कोऑर्डिनेट करें और उसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। मैं इंद्र कुमार शुक्ला सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के श्रृंखला में उन्होंने अपना समय दिया और हमारे सभी CSP भाइयों को SBI की सर्विसेज के बारे में अपडेट कराया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। पूरे गिलो